देखिए मैं बता रहा हूं, ये भाषा का अंतर और ये इस प्रकार के जो तर्क हैं ये समय कुतर्क, क्योंकि रूबिका जी आपके चैनल की बाइट आप निकाल के देखेंगे, पहले वो राष्ट्रपति शब्द बोल रहे हैं, दो बार राष्ट्रपति शब्द बोल रहे हैं, उसके बाद दो बार राष्ट्रपत्नी बोल रहे हैं। तो भाई गलती तो हम मानते कि पहले वाक्य में आप गलत बोल गए होते तो बात मानते, और फिर जबकि उनको टोका भी जा रहा है कि इसके लिए आप वह प्रयोग करें। और यह भी ध्यान रखना चाहिए, संविधान सभा में तो यह बात तय ही हो गई थी जब प्रतिभा पाटिल जी थी, उस समय यह बात बहुत व्यवस्थित रूप से होके व्यवहारिक रूप में आ भी गई कि महिला भी होगी तो राष्ट्रपति ही बोला जाएगा। और जब उनके पति आते थे 26 जनवरी को तो यह बोला जाता था राष्ट्रपति के पति आ गए। अब देखिए उसके बाद आप कहें क्यों, तो आपकी जबान तब तो कभी नहीं फिसली थी। वास्तविकता में यहां मामला स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का नहीं है, मामला आदिवासी समाज के प्रति, वनवासी समाज के प्रति मन में उत्पन्न भावना का है। मैं तीन उदाहरण देता हूं, आपके राष्ट्रपति के उम्मीदवार ने इस रबर स्टैंप शब्द का प्रयोग किया, फिर आपके एक सहयोगी ने मूर्ति शब्द का प्रयोग किया, और कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा शी रिप्रेजेंट्स ए वेरी इविल फिलॉसफी, यानी वो एक अत्यंत राक्षसी मनोवृत्ति का प्रतीक है, और उसके बाद माफी नहीं मांगी। अरे भाई चुनाव था, वहां तक तो एक बार हम मान भी लें कि आपने गरिमा और वो नहीं रखी, अब तो वो महामहिम राष्ट्रपति, और संविधान की दृष्टि से भी राष्ट्रपति पर ना टिप्पणी की जा सकती है, ना व्यंग किया जा सकता है, ना कटाक्ष किया जा सकता है, ना उसका कार्टून बनाया जा सकता है। जब यह संविधान सम्मत है उसके बावजूद माफी न मांगने पर अड़े रहना, अधीर रंजन जी का बयान देखिए जिसमें माफी की वो तथाकथित बात कह रहे, उसमें कह रहे इनको कोई मसाला नहीं मिल रहा है इसलिए ये लोग बवाल कह रहे हैं। ये बवाल और मसाला नहीं मिल रहे शब्दों को आप माफी कहते हैं? आपके एक नेता हैं उदित राज जी, जो आके जस्टिफाई किए हैं कि उन्होंने क्या गलत बोला है, अगर वो स्त्रीलिंग है तो ऐसे ही बोलना चाहिए, उसके बाद अगर आप ये आके कहते हैं कि वो आपकी गलती थी तो सबको समझ में आता था, गलती नहीं एक गलत मनोवृत्ति थी जो एक नहीं कई बार आपके मुंह से निकल रही।